जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आज मैं बात करने आई हूँ आपसे शनि के राशि परिवर्तन को लेकर। शनि वक्री हो रहे हैं 23 मई से और ये पूरे 141 डेज के लिए वक्री हो रहे हैं। तो आइए हम सब जानते हैं कि शनि का ये राशि परिवर्तन हमारी राशियों के लिए क्या प्रभाव लेकर आ रहा है। सबसे पहले तो देखिए, मैं शनि ग्रह के बारे में एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूं, जो कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि शनि न्यायाधीश है। शनि इज़ प्रिंसिपल ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। तो शनि क्योंकि कर्म फलदाता है, आपने जो किया है उसके अकॉर्डिंग आपको शनि देने आ रहे हैं। यानी कि अगर आपने किसी का अच्छा किया है, एक बार अच्छा किया है, तो आपको बदले में 10 अच्छाई मिलने वाली है। अगर आपने किसी के लिए इतना सा भी बुरा किया है तो 10 times मल्टीप्लाई कर लीजिए और उतना ही बुरा आपका होने वाला है, क्योंकि शनि इज प्रिंसिपल और वो बिना किसी भेदभाव के आप जो भी करते हैं ना, आपको 10 times मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं इस वीडियो में जो भी आपको राशि के अकॉर्डिंग बता रही हूँ चीज़ें, ये मैं आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है? तो अगर आपकी चंद्र राशि आपको पता है और आपकी कुंडली में अगर शनि ग्रह अच्छे हैं तो ये गोचर आपके लिए उत्तम साबित होने वाला है। लेकिन अगर शनि आपकी कुंडली में खराब है तो ये गोचर आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। तो अब हम जानते हैं कि हर राशि के लिए शनि भगवान क्या सौगात लेकर आए हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम मेष राशि से। तो मेष राशि में क्योंकि शनि दशम स्थान में है, दशम स्थान यानी कि हमारी अर्निंग का स्थान, हमारी आय का स्थान, तो यहाँ पर शनि के होने की वजह से अगर शनि अच्छे हैं तो आपको नए नए कार्य मिल सकते हैं करने के लिए, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं आपके लिए, प्रमोशन हो सकता है अगर आप वेट कर रहे हैं अपनी प्रमोशन का तो। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है तो ये शनि का वक्री गोचर आपके आजीविका के साधनों में दिक्कत परेशानी लेकर आ सकता है। हो सकता है कुछ लोगों को अपनी जॉब भी खोनी पड़ जाए। इसके अलावा आपके जो कार्य एक घंटे में हो जाते थे या एक दिन में हो जाते थे, अब उन्हीं कार्यों में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। तो ये गोचर आपके लिए कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपकी कुंडली में शनि का स्थान कैसा है। अच्छा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ख़राब है तो डेफिनेटली थोड़ा सा कष्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो इस गोचर में जो आपको सावधानी रखनी है वो ये रखनी है कि कोई भी बड़ा निर्णय बहुत सोच समझ के लीजिए। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़े दिन रुक जाइए, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो पूरी जांच पड़ताल कर ही इन्वेस्टमेंट करिएगा, कहीं फ्रॉड में ना फंस जाए। इसके अलावा जो उपाय आप कर सकते हैं आपकी राशि के लिए, आपके लिए बेस्ट उपाय रहेगा कि आप बजरंग बाण का पाठ करिए, ये बहुत उत्तम फलदायी रहेगा। चाहे फीमेल्स हो चाहे मेल हो, पाठ करने में कोई दिक्कत नहीं है, बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि में शनि नवम स्थान में आ जाएंगे। नवम स्थान यानी कि हमारा भाग्य स्थान। तो अगर कुंडली में शनि अच्छे हैं तो एक ऐसा बूस्टर लगाएंगे कि जो काम आपके नहीं हो रहे थे, अटके हुए थे, वो काम अब आपके फटाफट से होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है, आप अपने ऑफर लेटर का वेट कर रहे हैं कि जो आना है, कन्फर्मेशन हो गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन अगर इससे पहले आ जाते तो ठीक है, और अगर कुंडली में शनि खराब है तो 23 मई के बाद ये और डिले करा देगा। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए थोड़ा सा आपके कार्यों में रुकावट लेके आएगा, देरी से कार्य कराएगा। इसके साथ में ये आपके भाग्य में थोड़ा सा रुकावट का काम करेगा ही करेगा। लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को प्रोडक्टिव रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको सुस्त बनाएगा, आलसी बनाएगा। आपके लिए भैरव बाबा की उपासना करना बहुत अच्छा रहेगा, आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगले 141 डेज के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 23 मई ऑनवर्ड्स। अब बात करते हैं तीसरी राशि की, जो है मिथुन राशि। मिथुन राशि में शनि हमारे अष्टम स्थान में है। अष्टम स्थान यानी कि मृत्यु स्थान, हमारी आयु का स्थान। अब यहाँ पर जब शनि होते हैं, और वैसे भी क्योंकि मिथुन राशि वालों पर तो ढैया चल रही है शनि की,
तो ऐसे में आपकी सेहत में गिरावट देखी जा सकती है। और अगर शनि अच्छे हैं तो कम्प्लीटली इसका ऑपोजिट समझ लीजिए कि आपकी सेहत में सुधार जो नहीं आ रहा था, आपकी सेहत में सुधार बहुत अच्छे से देखी जाएगी, बहुत अच्छे से आपकी सेहत में सुधार हो सकती है। लेकिन अगर शनि खराब है तो आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है, और इसके अलावा आपका क्रोध गुस्सा भी बहुत बढ़ सकता है। आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास ना करें, क्योंकि आपका कोई अपना ही आपको धोखा देने वाला है। आपका कोई अपना अगर पार्टनरशिप में काम है तो थोड़ा सा ध्यान देते रहिए, काम कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या हो रही है, क्योंकि बाद में आपके लिए कुछ ना कुछ नई मुसीबत सामने आ सकती है। अब इस क्योंकि ढैया चल रही है और ये 141 दिन के लिए शनि अपना परिवर्तन कर रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या उपाय कर सकते हैं? आपके लिए जो बढ़िया रहेगा वो ये रहेगा कि आप माँ काली की पूजा करें, काली माता की उपासना करें। इसके अलावा क्योंकि ये आयु भाव में है तो अगर आप ड्राइव करते हैं तो प्लीज़ ड्राइव केयरफुली, ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल मत करिएगा। आप कितने अच्छे ड्राइवर क्यों ना हो, ये टाइम आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं होगा। अब बात करते हैं हम कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए शनि आ रहे हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव यानी कि जीवन साथी का घर, तो यहाँ पर पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव देखा जा सकता है। अगर कुंडली में शनि अच्छे हैं तो जिनकी शादी नहीं हो रही थी अब उनकी शादी के योग बन जाएंगे, और अगर कुंडली में शनि खराब हैं तो अगर बात हो रही होगी तो थोड़ा सा अड़चन ले आएंगे, होगी नहीं अगर कुंडली में शनि खराब है तो बात होते होते आपकी रह जाएगी या फिर कहिए कि पोस्टपोन हो जाएगी। तो आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि फिजूल खर्ची पर बिल्कुल रोक लगाइएगा, क्योंकि आपके यहाँ पर ये आप इस समय में लग्जरियस चीज़ों पे ज़्यादा खर्च करना पसंद करेंगे, तो अगर कुछ ज़रूरी है तभी खरीदिए। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है कि हस्बैंड वाइफ के साथ लड़ाई झगड़ा आपस में आप लोग कम करें, आप विष्णु जी का पाठ करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर घर के आसपास कोई केले का वृक्ष हो तो आप नियमित रूप से उसका पूजन करिए, जल में थोड़ा सा मीठा डाल लीजिए, चीनी डाल लीजिए, और चीनी डालकर आप केले की जड़ पर इस जल को अर्पित कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए शनि आ रहे हैं षष्ठम स्थान में। देखिए षष्ठम स्थान होता है हमारे कर्जे के लिए, हमारे रोग के लिए, षष्ठम स्थान होता है दुश्मनों का। तो जब शनि यहाँ पर आ जाते हैं और क्योंकि वक्री होकर आ रहे हैं तो जिनके लिए अच्छा है उनके लिए तो ये है कि अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आपके हित में उसका फैसला हो सकता है, और अगर शनि अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं अगर कोई बीमारी से आप जूझ रहे थे तो वो ठीक हो सकती है, लेकिन अगर ख़राब है तो क्योंकि ये सिक्स हाउस में आ जाएंगे तो रुपए पैसे को ये दवाइयों पर खर्च कराने का काम ज़्यादा कराएंगे, और इसके अलावा आपके कमर से नीचे हिस्से में मतलब पेट में, कमर में या पैर में तकलीफ देखी जा सकती है। तो थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान दें, क्योंकि ये जो पीरियड स्टार्ट हो रहा है ये आपके पैसे को दवाइयों पे खर्च कराएगा। वर्कआउट करिए, सेहत पे ध्यान रखिए, अपने खान पान का बहुत अच्छे तौर से ध्यान रखिए, जितना हो सके हेल्दी फूड खाइए, और हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कन्या राशि वालों की, तो कन्या राशि में के लिए शनि आ रहे हैं पंचम स्थान में। तो शनि का पंचम स्थान में आना मतलब स्वजनों से मिलना। पंचम स्थान यानी कि आपके आपसी संबंधों का स्थान, तो यहाँ पर आपके अपनों से थोड़े से वाद विवाद हो सकते हैं, थोड़ा सा आपको ये आलसी भी बनाएंगे, आपको हर चीज़ बेड पे चाहिए होगी, मतलब पढ़ना है तो वो भी बेड पे, खाना खाना है तो वो भी बेड पे, मतलब बिल्कुल सुस्त बना देंगे, बहुत इजी गोइंग बन जाएंगे आप। तो ये ठीक है, अभी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है और लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन इस वजह से आप अपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम भी नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आप अपने आप को चलता फिरता बनाए रखिए, सिर्फ बेड पर बैठकर या काउच पर बैठकर काम करना बंद कर दीजिए। अगर आपका काम ही ऐसा है तो मॉर्निंग का वर्कआउट या इवनिंग का वर्कआउट ज़रूर करिए, और इसके अलावा क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं तो आपके लिए दुर्गा माँ का पूजन करना अति उत्तम रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम तुला राशि वालों की। तो तुला राशि वालों के लिए शनि आ रहे हैं चतुर्थ स्थान में। चतुर्थ स्थान यानी कि माता का स्थान, हमारे सुख का स्थान। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ना आपको मानसिक तनाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको बिना बात
बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा क्योंकि आप ओवर थिंकिंग करेंगे, मतलब आपको ऐसा लगेगा जो मेरे पास है ना वो बहुत कम है, मुझे और इससे ज़्यादा चाहिए, जिस वजह से देखा जाएगा कि आपके अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगेगा बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। ध्यान दीजिएगा, मैं कह रही हूँ बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। तो सबसे पहले तो यही बात है कि आपको ओवर थिंकिंग से बचना है, क्योंकि देखिए अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है तो जो हो सकता है वो ऑलरेडी हो रहा है। अगर आप इस समय आपकी सेहत बिल्कुल सही है ना, तो उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, आपके पास ही सबसे ज़्यादा धन है, सबसे ज़्यादा सुख है, आप ये सोचिए। और क्योंकि ये चतुर्थ स्थान में रहेगा तो थोड़ा सा देखा जाएगा कि फीमेल्स के साथ आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, लड़ाई झगड़ा, आपसी मनमुटाव। तो तुला राशि वालों को जो ध्यान में देना है वो ये देना है कि अपने जीवन साथी के साथ आपको अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है, कोई भी बुरे शब्द एक दूसरे को नहीं बोलने हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र मतलब जीवन साथी। तो जीवन साथी से गलत मत बोलिए, लड़ाई झगड़ा मत करिए। सबसे पहली रेमेडी तो मैं आप लोगों को यही दूंगी। इसके साथ थोड़ा सा संयम ज़रूरी है, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग करेंगे तो आपको लगेगा मेरे पास तो काम ही नहीं है, मेरा ये काम नहीं हो रहा, हाय मैं अब ये क्या करूँ, हाय मैं कैसे करूँ। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, ये 141 डेज शांति से काट लीजिए। काम आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, शांति बना के रखिए। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले आपके लिए गलत साबित होंगे, और इसी वजह से आप किसी सीनियर जो कि एक बहुत अच्छा ओहदा रखते हैं सोसाइटी में, कोई सीनियर सरकारी अफसर, उससे आपके मतभेद देखने को मिल सकते हैं। तो कोशिश करिए कि लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करके चलिए। आपके लिए जो सबसे बढ़िया उपाय रहेगा वो ये रहेगा कि आप जितना हो सके कुत्तों की सेवा करिए, जितना हो सके आप उनको कुछ ना कुछ फीड करिए, लेकिन नॉनवेज नहीं खिलाना है आपको। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तृतीय स्थान में आ रहे हैं शनि, और तृतीय स्थान मतलब पराक्रम का घर। ओहो मज़ा आ गया, मतलब पराक्रम के घर में अगर शनि आ जाएंगे, वो भी मंगल की राशि में शनि आ जाएंगे, तो शनि क्या कराएंगे कि तुम बैठे क्यों हो, खड़े हो जाओ, तुमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, कुछ करो। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए पराक्रम स्थान में शनि आकर उनको डायरेक्शन देना स्टार्ट कर देंगे कि आप खाली क्यों बैठे हो, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, करिए, बहुत अच्छा है, खाली नहीं बैठना आपको। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि कहीं ना कहीं ये योग आप जल्दबाजी में कार्य करेंगे, आप कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिनकी नॉलेज आपको नहीं है, लेकिन आपने, आपको लग रहा है कि मुझे सब कुछ आता है और आपने कर दिया, तो वो काम आपका बिगड़ भी सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो भी कार्य आप करना चाहते हैं सलाह मशवरा लेकर करिए। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि सलाह मशवरा लेकर काम करें और हनुमान जी का पूजन ज़रूर करिए। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए ये शनि का वक्री गोचर उनके द्वितीय स्थान पर आ रहा है, और क्योंकि द्वितीय स्थान पर आ रहा है यानी कि आपकी सेविंग्स पर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है कि आपको अपनी वाणी का खास तौर से ध्यान देना है। आप कुछ भी किसी को ऐसे ही बोल देंगे जिसकी वजह से आप खुद मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ कर बोलिए, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा आपको अपने खर्चों में थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए, कुछ बहुत ज़रूरी है तभी पैसे खर्च करिए, नहीं तो सेव करके रखिए, क्योंकि ये आपकी सेविंग पर इम्पैक्ट डालने वाले हैं, सेविंग आपकी बाहर निकल कर आने वाली है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पड़ोसी से लड़ाई मत कर लीजिएगा, पता लगे वो आपके ऊपर केस कर दे तो आपका पैसा वैसे ही वकील को आपको देना पड़ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आपके लिए उपाय मैं कहूँगी वो है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, यह आपके लिए अति उत्तम फल देगा। बार बार कह रही हूँ, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि गुस्सा आएगा और आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि में शनि आ रहे हैं प्रथम स्थान में, पहले भाव में, पहला भाव यानी कि आप खुद, आपकी सोच। तो यहाँ पर शनि आके क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा, अगर कुंडली में अच्छे हैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कराएंगे, आपका दान पुण्य की तरफ इंटरेस्ट जाएगा, लोगों का भला करना चाहेंगे आप, लेकिन अगर खराब है तो ये आपके लिए मानसिक कष्ट को बढ़ाएंगे, ये आपको गुस्सा ज़्यादा दिलाएंगे। तो थोड़ा सा जो ध्यान रखना है आपको वो ये रखना है कि कोई आपको गुस्सा दिला भी सकता है, आपको जल्दी गुस्सा आएगा। अगर ऑफिस में किसी से आर्ग्यूमेंट हो रही है, कहा सुनी हो रही है, तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू क्विट द जॉब। ध्यान रखिएगा कि गुस्सा आ रहा है आपको, अपने गुस्से पे कंट्रोल करिए, लेकिन जॉब को क्विट गलती से भी मत करिएगा, क्योंकि ये समय ही ऐसा है जो आपसे गुस्से में आपके कार्य को बिगड़वाएगा। तो बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना है आपने भी। आपके लिए जो उपाय बढ़िया रहेगा,
आप मंदिर क्योंकि अभी खुल नहीं रहे हैं तो कोशिश करिए जो भी आपके लेबर हो, जैसे आपके सिक्योरिटी गार्ड्स हो या आपकी मेड आती हो या कोई भी जो आपके लेबर में आता है, आप उनको बेसन या बूंदी के लड्डू का दान ज़रूर करिए। इससे आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए, तो कुंभ राशि के लिए शनि आ रहे हैं द्वादश भाव में। द्वादश भाव यानी कि खर्चे का भाव, द्वादश भाव यानी कि ट्रैवलिंग का भाव। पहले तो कोविड चल रहा है, कहीं घूमने जाने की सोचिएगा भी मत। अगर मन में विचार आ भी जाए तो टाल दीजिएगा। यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है वो ये देना है कि बहुत ज़्यादा मेहनत की नौबत आने वाली है, बहुत ज़्यादा। मतलब जो काम आपके कुर्सी पे बैठे बैठे बन जाते थे ना, अब आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि काम मत करिए, लेकिन मैं ये कहूँगी अगर थोड़े टाइम के लिए वो टल जाए और प्यार से बैठे बैठे ही हो जाए तो कर लीजिए, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही जोश ले आएंगे जिससे कि आपके अंदर भी गुस्से की मात्रा बढ़ी हुई देखी जाएगी। तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिए, ट्रैवल को अभी अवॉइड करके चलिए। ट्रैवल आपके लिए बिल्कुल भी फ्रूटफुल रिजल्ट साबित नहीं होगा, तो ट्रैवलिंग अवॉइड करिए। आपके लिए हनुमाष्टक का पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों की बात करें तो मीन राशि वालों के लिए शनि आ रहे हैं एकादश भाव में। तो एकादश भाव यानी कि आपकी अर्निंग का घर। तो जिनकी कुंडली में शनि अच्छे हैं और अगर वो जॉब ढूंढ रहे हैं इतने टाइम से, तो डेफिनेटली आपके पास ऑफर लेटर आ सकता है, कॉल आ सकती है जॉब के लिए। कुछ ना कुछ अर्निंग का स्तोत्र आपका खुल जाएगा, लेकिन वो तभी खुलेगा जब आप मेहनत करेंगे। अपने आप ही तो कोई आपको जॉब देने भी नहीं आएगा, और अगर बिजनेस भी करते हैं तो उसके लिए भी थोड़ी सी मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। तो ये राशि परिवर्तन आपके लिए मैं कहूँगी कि अच्छा ही रहेगा अगर कुंडली में शनि ग्रह अच्छा है, और अगर खराब है तो ऑब्वियसली आपकी अर्निंग अगर हो रही है तो उसको रोक देगा। कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी, कहीं से पैसे आपको वापस मिलने थे, आप ही के दिए हुए तो वो नहीं मिलेंगे, फिर उसमें अड़चन आ जाएगी, रुकावट आ जाएगी। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करना है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए ताकि ये 141 दिन आपके शांति से कट सके, चैन से कट सके। तो ये थी जानकारी सभी राशियों को लेकर। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को समझाऊंगी वो ये कि आपको अपनी चंद्र राशि देखनी है अपनी कुंडली के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेडिक्शन चेक कर सकते हैं। अगर कुंडली में शनि ग्रह आपके अच्छे हैं और मैंने यहाँ आपको कुछ नेगेटिव बताया है तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर खराब है और मैंने यहाँ पॉजिटिव बताया है तो वो पॉजिटिव आपके साथ नहीं होगा। तो मैं बार बार आपको यही बात समझाना चाहती हूँ कि हमारी जो कुंडली में ग्रह हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी कुंडली में, क्योंकि ये हमारी रूट कॉज है हमारी जिंदगी के। तो आप अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस जरूर कराइए, आप जानिए आपकी कुंडली का ग्रह कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है और वो आपको क्या परिणाम दे रहा है। नहीं तो फिर आपको वैसे ही जिंदगी काटनी है तो वो तो राम भरोसे कट ही रही है। जय माता दी।